भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। पूरा देश इस समय एक ऐसे मंदिर की ओर देख रहा है जो अपनी भव्यता के कारण जाना जा रहा है। ये भव्य मंदिर है श्री राम जन्म भूमि पर बन रहा राम मंदिर। इस मंदिर की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि ये अपनी भव्यता को पूरे विश्व में बिखेर रहा है, लेकिन ये भी कि जिस तरह से इसकी तैयारियां हो रही हैं, इसकी भव्यता का अगर आपको अंदाज़ा दे तो 2.7 एकड़ इलाके में, करीब 57,000 स्क्वायर फीट इलाके में इसको बनाया जा रहा है। लंबाई इसकी 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और कुल ऊंचाई 160 फीट से ज़्यादा होगी। 3 तल वाले इस मंदिर में जगह जगह से पत्थरों को लाया जा रहा है, खास तौर से पिंक स्टोन मार्बल, जिसे राजस्थान से लाकर, भरतपुर से लाकर यहाँ बनाया जा रहा है, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यहाँ पर आपको राम मंदिर की भव्यता दिखा दें, काम युद्ध गति पर हो रहा है। भूतल से स्तंभों की संख्या करीब 160 होगी। प्रथम तल पर ही 132 स्तंभ होंगे, जबकि दूसरे तल पर स्तंभों की संख्या 74 होने वाली है। मंदिर में आने के लिए द्वार होंगे 12, लेकिन राम मंदिर की खासियत सिर्फ उनके द्वार से नहीं होती है। राम मंदिर की खासियत उसके अद्भुत स्वरूप से होती है, उस पर हो रहे भरोसे से होती है और उसके प्रति भक्ति भावना से होती है। 2023 के दिसंबर महीने तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राजनीति में खास तौर से इस मंदिर का बड़ा महत्व है, यानी कि एक ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति में। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अगर बीजेपी ने अपना स्लोगन बना दिया है तो वहीं साथ ही साथ तस्वीर बड़ी बड़ी लगा दी है जगह जगह पर ये लिख कर कि फ़र्क साफ है। इस फर्क को साफ से और सफाई से दिखाने की तैयारी में इस मंदिर की भव्यता को जानना ज़रूरी होगा। इस मंदिर के बनने से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और उनके फैसले और निर्देश का पालन हो रहा है, बल्कि बीजेपी अपना नया एजेंडा भी सेट कर रही है। मंदिर की तैयारी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी भव्यता पर राजनीति की भी पूरी प्रयास और तैयारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, ABP News।